मैं सोच रहा हूँ शुरुआत करूँ, उससे पहले मैं जिनके साथ शुरुआत किया उससे शुरुआत करूँ, क्या सुनना चाहेंगे? yes! समझ गए होंगे। और भारत सरकार जो करती है नारे को हम लोग आईटी बिजनेस बहुत दिनों से कर रहे हैं और दोनों साथ ही में कर रहे हैं और ऐसा नहीं हम लोग भी किसी के ऐसे नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं अच्छी चल रही थी, लेकिन आईटी के आने के बाद से और अच्छी हो गई है, जिसमें सारे सपने सारे सुख और हर प्रकार की चीजें हम लोगों को मिलने लगी है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे परिवार के भी खुश हैं और हमारा पूरा परिवार आगे चल रहा है। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपने अपमान का कहना धन्यवाद देना चाहूँगी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आई एक बार जोरदार तालियां हमारे लिए तो बजाती है। बुढ़ाई जी माला कहाँ है? क्या चक्कर है भाई? सामने वाला तेज बोलता है आपको तेज बोलता है, सामने वाला धीमा बोलता है आपको धीमा बोलता है, कैसे चलेगी गाड़ी? ऐसे चलेगी क्या? ऐसे चलेगा? कितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं? अच्छा बाकी लोग डाउनलाइन ही करना चाहते हैं? मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, कितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं? अभी बात समझ में आई, सारे लोग अपलाइन बनना चाहते हैं, तो कितने लोग ये चाहते हैं कि उनका अपलाइन हमेशा जिंदा नहीं हो? मेरे भाई को आप अपलाइन बनना चाहते हैं, आपकी भी टीम आपसे यही अपेक्षा कर रही होगी। ये जरूरी नहीं कि स्पीकर तेज बोले तो आप तेज बोले और स्पीकर धीमा बोले तो आप धीमा बोले, आपको हमेशा लाउड रहना चाहिए, हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए। तो उड़े थी मजा आएगा। तो अभी तक जितने भी लीडर आए शाम तक अपने लाइफ जर्नी को कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने शानदार तरीके से ट्रेनिंग को अंजाम दिया। मैं पुनः एक बार चाहूंगा तो इसी बालाघाट में आज से कुछ साल पहले मैं खुद रामकाले के माध्यम से इधर एक एक टीम का ढूंढा करता था और आज मुझे फक्र है गर्व है कि आज इस स्टेज को सुपर स्टार के लिए जगह दी थी। तो ये बिजनेस अकेला नहीं, यहाँ पर किसी न किसी का साथ चाहिए होता है, तो पहला साथ चाहिए होता है अप्लाइंट का, और उस अप्लाइंट का हमेशा रेडी रहिए जिसने आपको ये बिजनेस दिया, हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करिए उस अप्लाइंट को जिसने ये बिजनेस दिया। मैं भी आज इस स्टेज से अपने अप्लाइंट को धन्यवाद देता हूँ, मिस्टर जयप्रकाश सरपुर जी के लिए जोरदार ताली दीजिए। यदि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ जब 2007 में इस बिजनेस की नींव रखी गई थी, उस समय डॉक्टर सुख भाटिया जी और सत्यम भाटिया जी ने जब इस बिजनेस के बारे में सोचा तो शायद वो अकेले नहीं सोच रहे थे, उस समय मां सरस्वती उनके दिमाग में विराजमान थी और इतना सुंदर प्लान बना करके दिया जिससे आज करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है, सभी लोग अपनी जिंदगी बदल पा रहे हैं। एक बार सत्यम भाटिया जी और डॉक्टर सुख भाटिया तक की जोरदार प्रिंसिपल के सदर जिले से बात करता हूं। अभी तक मैं क्राउन एम्बेसडर का लेवल लिया तो जैसा दिख रहा है, तो इतना गारंटी है कि मैं आप क्राउन एम्बेसडर तक का रास्ता बता सकता हूं। क्या आप सुनने को तैयार हैं? तो अगर क्राउन एम्बेसडर आप सुनने को तैयार हैं, बन करके घर आते हैं तो स्वाभाविक है मैं आपसे वादा करता हूँ कि सीपी का भी रास्ता मैं बताने के लिए आपको भी जाना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे मित्र दिलीप भाई ने, नंदा जी ने इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया कि ये बिजनेस किस तरीके से चलता है। अगर इस बिजनेस को हम बिजनेस समझ के केवल करते हैं तो दोस्त बिजनेस नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस रिलेशन बिल्ड करके अगर काम करते हैं तो हमेशा के लिए बिजनेस होता है। रामकाले जी की पॉइंट बड़ा फेमस है, कन्फर्म रहिए कन्फ्यूज मत रहिए। क्या रहिए? कंफर्म रहिए, कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि कंफ्यूज व्यक्ति का हमेशा एक्सीडेंट होता है, कंफर्म व्यक्ति का
कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। और रोड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसका होता है? कंफ्यूज कौन होता है? हमें दोस्त ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, हमें कंफर्म करना कंफ्यूज नहीं रहता है। ऐसे बीमा से आने से पहले मेरे छोटे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मैंने 17 साल समय लिया। 17 साल मैंने एजेंट के रूप में काम किया। मुझे मौका मिला इस बिजनेस को समझने के लिए माध्यम बना संस्कृति को अपना करके मैं आज बिजनेस में इस काम पर पहुंच पाया। शुरुआत अकेला किया था, लेकिन आज लाखों लोगों की टीम है। ये क्यों है? एक ट्रस्ट के कारण, एक भरोसा के कारण। और ये ट्रस्ट, ये भरोसा यदि आप अपनी टीम में शामिल कर पाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आप भी इस जगह पे आ सकते हैं। तो आइए कुछ समय हम बात करेंगे, क्योंकि लगता रहता है अक्सर मौका बाद में मिलता है। मौका हमें बाद में मिलता है और बाद में बार बार खड़ी देखनी पड़ती है। तो मैं भी खड़ी देखा हूँ, लेकिन आप इसे इजाजत दे रहा हूँ तो कितने देर तक मुझे झेल सकते हैं? क्या बोले सर? 1 घंटा। लेकिन थोड़ा बाजू वाले से पूछिए, वो परेशान होकर हो रहा है कि आधे घंटे में आज निपटाओ, फिर उसको बाहर जाकर आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई है यहाँ पर आधे घंटे 15 मिनट वाला भी नहीं है? तो मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ, कितने देर तक मुझे समय दे सकते हैं? मुझे तो आप ही लोगों से कहवाना था, आप लोगों ने बोल दिया हमारे ऊपर है या मेरे ऊपर ही रहेगा जब तक मैं चाहूंगा तब तक। लेकिन जरूर है कि ग्राउंड इन्वेडर का रास्ता बता के जाए। यस, तैयार है? यस। आइए शुरुआत करते हैं दोस्त। मंजिल हर किसी की होती है, आपकी भी कोई मंजिल होगी। यदि आप इस बिजनेस में आ गए तो आपकी कोई ना कोई मंजिल होगी। आपकी मंजिल आप ही को पता है। आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, आप एम्बेसडर बनना चाहते हैं, आप सीपी बनना चाहते हैं, जो भी मंजिल आपने तय किया है तो एक मंजिल यदि आपने सोच लिया है, विचार कर लिया है, उसे अचीव करना भी आप ही को होता है। अचीव करना भी आप ही को होता है। मंजिल की हद तक पहुंचने के लिए कभी कभी सूखा खाना भी खाना पड़ता है। पूछिए आगे के लीडर से, जेब में पैसा रहते हुए भी शायद हो सकता है खाने की तरफ जाने रहता है, क्योंकि उसमें ध्यान रहता है कि मुझे अपने मंजिल की तरफ जाना है। मंजिल की हद तक पहुंचने के लिए कभी कभी सूखा खाना भी खाना पड़ता है। मंजिल युद्ध ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, मंजिल तक खुद ही चल के जाना पड़ता है। अगर ये मंजिल था, अगर ये मंजिल है, अगर ये मंजिल है आपका क्राउन प्रेसिडेंट बनना, तो ये आपके पास तक चल के नहीं आएगा, आपको इसके पास चल के जाना पड़ेगा। और आज इस प्रोग्राम में आप चल के आए हैं दोस्त, आपने मंजिल के नजदीक आने का प्रयास किया, क्योंकि किसी को मंजिल उसके घर में चल के नहीं है। पिछले 2-3 महीने पहले बालाघाट में जबरदस्त मेला लगा था। कितने लोग मेले में भागीदार थे? उस मेले में बहुत सारे लोग आए थे और एक बाबा आए थे जो बहुत अच्छा झाड़ू करके गए थे। कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव शायद नहीं हुआ हो, लेकिन मेरा दावा है कि उस बाबा के झाड़ू के बाद से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ और कई लोग थाईलैंड ट्रिप अचीवर बन गए, कई लोग हरिद्वार अचीवर बन गए, कई लोग कई जगह छूट गए। उस बाबा का नाम जानते हैं? क्या नाम है? वैसे भी गाँव देहात के बाबा को बधाई बोलते हैं। आज ये प्रोग्राम हम सभी के बीच में एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग था, लेकिन मैं आप सभी से आश्वस्त करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि हम सभी लोग यहाँ से आज एजुकेशन लेकर के जाएंगे और जाने के बाद जो रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे और वो रिजल्ट का सूचना या व्हाट्सएप हम अपने अप्लाई अजय मान सर को, वेद प्रकाश ओझा सर को जब शेयर करेंगे तो वो भी गर्व से कहेंगे कि हमारे टीम में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो उनकी अनुपस्थिति में भी रिजल्ट को डबल करके देते हैं। तो एक बार बोला जाए, आइए सीधे हम चलते हैं।